वेलकम बैक टू क्लासी रेखा चैनल। तो आज हम चेवलेट स्पार्क के एसी फिल्टर क्लीनिंग और ब्लोअर क्लीनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये दोनों आप जब क्लीन कर लेते हैं तो आप कार का एसी का एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाता है। तो एक स्क्रू ड्राइवर के सहारे ये काम करेंगे। तो देखिए कैसे क्लीन करते हैं। आफ्टर क्लीनिंग आपके कार का जो एसी है वो प्रॉपर वर्क करने लगेगा और पूरे कार को आपके चिल्ड कर देगा, और इसको आप घर पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड में, स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड में बॉक्स होता है, उसी बॉक्स के पीछे में ये हमारा एसी का फिल्टर लगा होता है। तो देखिए उसको स्क्रू ड्राइवर के सारे खोल रहे हैं। इसमें टोटल 6 स्क्रू होते हैं, 2 नीचे, 2 ऊपर और 2 अंदर। देखिए ये 6 स्क्रू को खोल देंगे तो ये बॉक्स निकल जाएगा। तो देखिए इसको खोल रहे हैं, अब देखिए ये बॉक्स निकल गया। देखिए बॉक्स निकलने के बाद ये देखिए बॉक्स भी गंदा है, तो इसको भी पानी से वॉश कर लेंगे तो ये भी साफ़ हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर इस पॉइंट पे, हाँ इसी पॉइंट पे ये एक लॉक है। इस लॉक को उंगली के सहारे पुश करेंगे, जेंटली पुश करेंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए ये लॉक खुल गया। अब इसके अंदर ये फिल्टर लगा होता है, इसके नीचे ब्लोअर है, ब्लोअर के ऊपर में ये एसी फिल्टर है जो कि हमारा कचरा जाने से इसको रोकता है। तो देखिए इसमें इस फिल्टर गंदा हो गया है तो इसको ब्रश से सारे ये तो साफ कर लेंगे, और नहीं तो ज़्यादा गंदा है तो इसको चेंज ही कर देंगे, क्योंकि इसमें रहता है कि इतने किलोमीटर के बाद इसको चेंज कर देना चाहिए। तो देखिए इसको बहुत फिर उसी तरह से निकाले, उसी तरह से प्रेस कर फिर से इसको उसी जगह से लगा दिए फिल्टर के स्पेस पे, वो लग गया। अब फिर से जो लॉक खोले थे उसी लॉक को, जैसे लॉक खुला है उसी तरह से पुश करके, फिंगर से हल्का पुश करेंगे ये लॉक हो जाएगा। देखिए लॉक हो गया, ये फिल्टर हमारा चेंज हो गया। अब फिल्टर चेंज होने के बाद जैसे बॉक्स निकाले थे उसी तरह बॉक्स को फिर से लगा देंगे वॉश करने के बाद, 2 ऊपर और 2 अंदर साइड। तो ये 6 स्क्रू के सारे फिर 6 स्क्रू से इसको लॉक कर देंगे। देखिए ये लॉक भी हो गया और इसका बॉक्स भी आसानी से खुल रहा है। अब नीचे देखिए ये ब्लोअर लगा हुआ है, उसी के नीचे ये ब्लोअर को भी 3 स्क्रू होता है, उस स्क्रू को खोल लेंगे तो ये ब्लोअर बाहर आ गया। देखिए ये ब्लोअर बाहर आ गया। अब इसको भी ब्रश और पानी से इसको सफाई कर देंगे। तो देखिए कैसे सफाई कर रहे हैं ब्रश से। देखिए यहाँ पर ब्रश, कोई ब्रश ले लिए, ब्रश से इसको ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो उसमें जितना ब्लोअर में गंदगी बैठा है वो सारा निकल जाएगा, और हल्का हल्का पानी भी देते रहेंगे। देखिए ये हमारा पूरा क्लीन हो गया। देखिए कितना फ्री हो गया, क्लीन होने के बाद पूरी तरह से ये फ्री हो गया, देख रहे हैं पूरा फ्री हो गया। अब फिर से ऐसे ही नीचे जहाँ ब्लोअर लगा हुआ है फिर 3 स्क्रू जो खोले थे फिर इसको वहाँ पर लगा के सेट कर देंगे। देखिए सेट कर देने के बाद फिल्टर जो चेंज किए, अब देखिए उसके बाद का इसका एयर फ्लो कितना फास्ट हो गया, कितना तेज़ी से आ रहा है, इसके बारे में डेमो के थ्रू दिखा रहा है। देखिए इसमें एक प्लास्टिक का एक इस तरह से झालर रखे हैं और फ्लोर के आगे रख दिया, फ्लोर स्टार्ट कर दिया। देखिए कितना तेज़ी से फ्लोर एयर फ्लो हो रहा है और कितना तेज़ी से उड़ रहा है, देख रहे हैं। अपने कार की एसी को एफिशिएंसी को बढ़ा दिए। तो आई होप कि आप लोग भी अपने घर में इजी में कर लेंगे। तो आई होप कि मैंने क्लीनिंग के बारे में बहुत अच्छे से ब्रीफिंग कर दिया है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ क्लासी रेखा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।